आरटीओ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन आरटीओ ने मोटरसाइकिल पर रोष मार्च निकाला और कैथल के पियोवा चौक पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शन आरटीओ स्थानीय विधायक रामलीला के कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। आरटीओ अपना ज्ञापन विधायकों को देना चाहते थे, परंतु विधायक समय से पहले ही निकल गए। आरटीओ का कहना है कि हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम विधायकों को यह पूरी हरियाणा में प्रदर्शन का ज्ञापन देना है और कल करनाल में मुख्यमंत्री आवास का गरेबा किया जाएगा। जो मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी हमारा काम घोष रहे हैं, मतलब हमारा काम खत्म करने पे तुले हुए हैं। पहले तो हमारी आदत कम कर दिया इन्होंने, अब ये जो ईमेल की प्रक्रिया चलाई है ये बिल्कुल भी नहीं अमल कर सकते। हमारा काम खत्म करने की नीति है इसमें। एक तरफ आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, सर बीजेपी के कोई बात नहीं है, तो हमारी रोजी है, हम बीजेपी से हैं फिर रोजी है हमारी, तो कोई मुख्यमंत्री कोई सरकार हमें रोजगार नहीं दे सकती, ये तो हमारा रोजगार है। मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी, मैं नई अनाज मंडी में आड़ती का काम करता हूँ, बिंडर ट्रेडिंग कंपनी। प्रदर्शन ऐसे है जी, सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिससे वो आड़ती और किसान को ख़त्म करना चाहती है। जैसे हमारी आड़ 2.5% थी, पीछे इन्होंने वो भी कम करके हमें 46 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दी है, और नए नए कानून जो मंडी में लागू हो ही नहीं सकते, जैसे इन्होंने ई ट्रेडिंग इसके आधार पर अब इन्होंने कहा है कि हम फसल खरीदेंगे, जो बहुत लंबा प्रोसीजर है, और जब हमने गुहाना विरोध किया तो उससे एक ही कदम पीछे हटी, हमें आज मजबूरी में आज ये ऐसा कदम उठाना पड़ा कि हमें ये स्ट्राइक करनी पड़ी।